यूरिया की कालाबाजारी रोकने के लिए युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। खाद की कालाबाजारी रोकने के लिए सपोटरा के युवाओं ने मुख्यमंत्री के नाम सपोटरा उपखंड अधिकारी अनुज भारद्वाज को दिया ज्ञापन। सपोटरा भाजपा नेता प्रताप पाकड़ कोडियाई के नेतृत्व में रवि की फसल बोने के लिए किसान भाइयों को समय पर यूरिया खाद रखोड़िया खाद उचित रेट पर नहीं मिल रहा है, जिसको लेकर सपोटरा क्षेत्र के युवा समाज सेवी भाजपा युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष प्रताप पाकड़ ने बताया कि किसानों को खाद डीलर रेट पर खाद नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आज हमने उपखंड अधिकारी सपोटरा को ज्ञापन दिया है। यहाँ पर कुछ युवाएं हैं, वो नारेबाजी कर रहे हैं यूरिया खाद की कालाबाजारी को लेकर। जिस प्रकार से सपोटरा क्षेत्र में रबी की फसल से पहले ही खाद की किल्लत देखी जा रही है, खाद की कालाबाजारी यहाँ पर देखी जा रही है, उसी को लेकर ये युवा यहाँ पर आज एसडीएम कार्यालय सपोटरा पहुँचे हैं। उपखंड अधिकारी अनुज भारद्वाज जी को ज्ञापन इन्होंने दिया है और जान लेते हैं क्या प्रमुख मांग है, किस मांगों को लेकर इन्होंने यहाँ पर ज्ञापन दिया है। मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहता हूं और क्या मांग थी जिसके कारण आप यहां पर पहुंचे और ज्ञापन आपने दिया। सबसे पहले तो मैं मेरा नाम बताता हूं, मेरा नाम प्रताप पाकड़ है। आज हम सभी युवा भाइयों ने मिलकर एक ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री का नाम उपखंड अधिकारी सपोटरा को। हमारी जो मांग है ये है, जो रबी की फसल किसान भाई बोने जा रहे हैं उनको खाद की बहुत ज़्यादा किल्लत हो रही है, इस संदर्भ में आज हमने ज्ञापन दिया है। वहाँ से डिप्टी डायरेक्टर के वहाँ से खाद आ रहा है, रेक लग रही है, पर यहाँ पर लोग कालाबाजारी कर रहे हैं, दुकानदार स्टॉक कर रहे हैं, इस संदर्भ में उन्होंने ज्ञापन दिया है। प्रिंट रेट पर खाद नहीं दिया जा रहा है, अगर प्रिंट रेट पर खाद नहीं देंगे तो हम आने वाले टाइम में धरने पर बैठेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे और जो दुकानें हैं जो डीलर है उनको हम निलंबित करवाएंगे।